नमस्कार दोस्तों, मजा मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे कि बाइक में जो BS4 बाइक है उनमें बहुत सारे भाई लोगों ने हमारे पास फ़ोन किया कि जो CT 100 गाड़ी हैं उन गाड़ियों में ज़्यादातर ऐसी समस्या आ रही, अदर गाड़ी में भी आ रही। कभी कभी क्या होता है, जब धूप में खड़ी कर देते हैं उसके बाद चलाते हैं तो दिक्कत होती है कि वो स्टार्ट नहीं होती, या प्रॉब्लम आती है कि स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, या चलते चलते बंद हो जाती है, या किसी किसी गाड़ी में इस तरीके से आती है कि एयर लॉक प्रॉब्लम आती है। और जब आप चलाते हैं, चलाया आपने 5 किलोमीटर चलाया, फिर उसके बाद चलते समय ऐसा लगता है कि उसमें पेट्रोल ख़त्म हो रहा, ठीक है। तो उस पेट्रोल ख़त्म होने के लिए, यानी ऐसा होता है उसमें एयर ना मिलने की वजह से, टैंक में एयर, टैंक यानी पेट्रोल टैंक में एयर ना मिलने की वजह से वो एयर लॉक प्रॉब्लम हो जाती है, यानी पेट्रोल नीचे नहीं पास होता, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम मेरे पास एक बाइक में आई, उसका क्या सलूशन है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम आपको बताते हैं, ठीक। पहले दिखाते हैं कि इस गाड़ी है जैसे CT 100 है और इसमें यही प्रॉब्लम हो रही है कि वो बाइक में पेट्रोल नहीं निकलना पूरी तरह से, जिस तरीके से निकलना चाहिए, या निकलता है तो थोड़ी देर बाद फिर ब्रेक होने लगता है, ठीक है। तो हम बताते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम है, उसको किस तरीके सॉल्व किया जाता है, ठीक है। दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेट्रोल को ऑन करते हैं, ठीक। देखिए कितनी तेज़ में आ रहा, देखिए दोस्तों, यानी पेट्रोल कितनी तेज़ी से आ रहा, ठीक है, इतनी तेज़ी से आ रहा, ठीक है। पर ये इतनी तेज़ी से आता रहे परमानेंट तब तो ठीक है। क्या होता है कि जो तेज़ी होती है वो धीरे 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 करके वो धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक। देखिए दोस्तों, पहले देखिए कितनी तेज़ था, ठीक है। अब क्या हो रहा कि धीरे धीरे करके, यानी स्लो हो रहा, जो इसकी जो धार थी, जो पेट्रोल की जो तेज़ी थी वो बहुत तेज़ थी, ठीक है। और अभी हमने थोड़ा सा टंकी लॉक में थोड़ा सा छेड़खानी किया था, एयर वगैरह थोड़ा सा हमने इसको पासिंग का सिस्टम कुछ देखा था, तो उसको फिर हमने दोबारा फिर सेट करके और हमने वीडियो बनाना चाहा तो ये हमने बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस समय क्या होता था कि जिस तरीके से ऐसे आ रहा इसी तरीके आता था, फिर उसके बाद क्या होता कि बिल्कुल वो धीरे धीरे करके बूंद बूंद आने लगता था, ठीक है। जब बूंद बूंद आने लगता था तो उसके कारण क्या होता था कि वो धीरे धीरे बंद हो जाता था, तभी वो गाड़ी में ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि वो बीच में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर चलने के बाद वो झटके जैसे लेने लगती थी, और फिर कुछ देर बाद बंद हो जाती, कुछ देर बाद 5-7 मिनट खड़ी करने के बाद फिर वो चलती थी, ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका टंकी ढक्कन खोलते हैं एक बार, देखिएगा। तो देखिए अब टंकी ढक्कन खोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ चाबी लगाया और यहाँ आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसकी धार है उसको देखिएगा, ठीक। देखिए दोस्तों, ये इसमें तेज़ी बढ़ गया ना, तेज़ हो गया ना, इस तरीके से ये तेज़ हो गया। और हम जब इसको बंद कर देते हैं तो ये धीरे से, यानी इसकी जो, यानी जो इसकी धार होती है पेट्रोल की, वो बिल्कुल धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो हमको किस तरीके सॉल्व करना है वो आपको मत बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसको क्या करना है, पेट्रोल टंकी ढक्कन को हमको पहले खोल लेना है, ठीक। उसके पहले हमको खोल करके, हमने इसका ये पाइप वाला सिस्टम यहाँ पर हमने को डाल करके साफ़ कर चुके हैं, इसको भी और पूरे लॉक को भी साफ़ किया था, यानी देखा था। तो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम हम पहले बताना चाहते थे वो हो गई थी, यानी वो नहीं हो पाई, क्योंकि वो पहले बिल्कुल धीरे हो जाता था। और अभी तक क्या है कि अभी हम जब दोबारा जब करा वीडियो लगाया तब उसमें वो तेज़ी फिर भी बनी रही, जो तेज़ी पहले बहुत कम हो गया था, ठीक है। तो अब देखें दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया था, इस लॉक को पहले एक बार खोल करके देख चुके थे, तो दोबारा हमने कहा कि हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि भाई आप सभी लोग, भाई लोग कैसे आप इस बात को समझेंगे। और ये प्रॉब्लम हमारे पास ज़्यादातर भाई लोग फ़ोन करते थे और हमारे पास प्रॉब्लम जो आती थी बहुत कम आती थी, ये लोग ये किसी, यानी किसी ने इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लेन नहीं बताई थी, पर फ़ोन पर बहुत सारे भाई लोगों ने बताया कि हमारी गाड़ी धूप के बाद हम जब चलाते हैं तो चलने में दिक्कत करती है, या उसमें यानी चलते चलते झटके सी महसूस होती है, दबती है, और कुछ दूर चलने के बाद दिक्कत करती है। तो उसका जो सोल्यूशन मेरे पास है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब हमने पहले 2 बोल्ट से उसको खोला और फिर फिलहाल ये खोल लिया।
दोस्तों देखिए इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ ये खोलना है और ये जो इसकी रबड़ है, इस रबड़ को हमने पहले एक बार पलटाया था, फिर हमने वीडियो बनाने के लिए फिर से वैसे ही कर दिया था, ठीक, इसीलिए वो चीज़ नहीं आ पाया था। तो इसको सिर्फ रबड़ को आपको बदल करके यानी उसी तरीके लगा देना है पलटा करके, यानी हमको ये पहले इस तरीके लगी थी, हाँ, अब हमें क्या करना है, हमको इस तरीके लगा देना है, ठीक। तो जो इसकी अंदर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ एयर लॉक प्रॉब्लम के लिए देखिए, ये एयर के लिए यहाँ से ये पाइप जाती है, यहाँ से फिर यहाँ से फिर ये उधर को जाती है, फिर उधर से फिर रिटर्न होकर के इधर से आती है, ठीक। यानी ये एयर यहाँ से जाएगी, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर उस साइड को जाएगी, फिर उस साइड से फिर इधर को रिटर्न आएगी, तब यानी इसको टैंक से हवा मिलती है, ठीक। और ये रबड़ जो होती है पूरी तरह से इसमें यानी इसी में सड़ जाती है। तो अक्सर ये देखें जैसे इसमें ये निशान पड़ गए हैं, जब पूरी तरह सड़ जाती है तो जो एयर इसको मिलना चाहिए वो एयर नहीं मिल पाती, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें पलटा के लगा देना है, ठीक, कैसे, इस तरीके से। और आपको देखिए हम सिंपल तरीका बता रहे हैं, और हमने जब ये पूरी तरह से इनको जान लिया, पेट्रोल निकाल करके देख लिया था, तभी हम आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो। और हम कोई भी वीडियो इस तरीके से नहीं चाहते हैं कि जो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं उन सभी भाई लोग हम पर जब इतना विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं कि भाई हम उनको जो भी बनाएं वो अच्छा बना के दें, ये नहीं कि हम वो फेक वीडियो या बहुत सारे लोग लिख देते हैं कि ये अच्छा नहीं है, तो उस तरीके से हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाना चाहा। थोड़ा वीडियो हमारे साफ़ सुथरे अच्छे नहीं होते, पर हमने जो भी बनाया हम आप सभी भाई लोगों के लिए बिल्कुल जेन्युइन बनाया, जिससे आपकी 100% वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, समझ रहे दोस्तों। तो इसलिए हमने आपको क्या करना है, सिर्फ इस रबड़ की वाशर को पलट करके लगा देना है, ठीक। अब हम पलट करके लगा करके हम इसको टाइट करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाशर को भी यहाँ इस तरीके से लगा देना है, यहाँ पर इस तरीके से सेट कर देना है, और फिर उसके बाद ये बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से इसको यानी हम इसे लगा देते हैं यहाँ पर। ये कोई टिपिकल नहीं है, बिल्कुल आसान होता है, और जैसे पहले वाली बाइक में होता था CT 100 प्लेटिना में, बाक्सर में, बजाज की लगभग सभी गाड़ी में, उसका जो लॉक है वो टिपिकल लगाना होता है। उसके लिए हमने वीडियो बना दिया है लॉक सेट कैसे चेंज करते हैं, तो उससे आपको कभी प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो को देख सकते हैं। बाकी हमने ये BS4 का बनाया है, जिसमें यानी जो चलते चलते गाड़ी बंद होने लगती है, झटके लेने लगती है और फिर कुछ देर बाद स्टार्ट होती है, तो उसके लिए हमने ये बनाया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से बांध देते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये पेट्रोल आ रहा ना, तो अब ये क्या होता है कि अभी इसी तरीके से आएगा। पहले जो हम दिखाया था तो वो बिल्कुल यानी धीरे धीरे करके वो बिल्कुल लाइन क्या होती थी, बिल्कुल वो धीमे हो जाती थी, ठीक है। पर अब क्या होता है कि जिस तरीके से प्रॉब्लम अगर इस तरीके से कभी भी आपकी गाड़ी में आती है, तो आपको कुछ नहीं करना, पर दोस्तों सिर्फ उस जो रबड़ थी उस रबड़ को सिर्फ पलटा देना है, और इससे आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक। जो आपकी वो चलते चलते बंद हो जाना, झटके लेना, ठीक है, क्योंकि ये हो सकता है कि जिस तेज़ी से पेट्रोल निकलना चाहिए टंकी ढक्कन खोलने को, उस तेज़ी से ना निकले, पर आपकी जो वो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि हम जो चीज़ आपको बताना चाहते थे वो चीज़ दोस्तों उस तरीके से नहीं बता पाए, पर आपकी ये प्रॉब्लम इससे आपको करने से 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। चाहेंगे दोस्तों कि हमारा वीडियो पसंद है, उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे जो हम टेक्निकल और अनुभव वाली चीज़ें होती हैं, अनुभव वाले यानी टेक्निकल और अनुभव वाली चीज़ें, ये सब आपको समझ में आती है।